नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि प्रतिदिन आप ओमेगा 3 का सेवन करते हो तो आपके शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है डेली यदि ओमेगा 3 आप लेते हो। उससे पहले हम जानेंगे कि ओमेगा 3 एक्चुअली होता क्या है और किन किन स्रोतों के माध्यम से ये हमें मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का यदि ओवरडोज हम ले लेते हैं तो क्या हमें नुकसान होता है, इत्यादि इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये अनेक तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को भी प्रदान करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं, ALA, DHA और EPA, जिनमें ALA जो होता है ये पौधों में पाया जाता है और DHA, EPA जो होता है ये पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये तीनों तरह के ओमेगा 3 जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि हम इनके प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो अंडे में, अलसी में, अखरोट, सोयाबीन, फूलगोभी, मछली में ब्लूबेरी, राजमा हुआ, हरी सब्जियां हुआ, शैवाल हुआ इत्यादि, इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमारे बॉडी में कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको बता दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है तो हमारी स्किन को मुलायम बनाता है, चेहरे पर से झुर्रियां मिटाने का काम करता है, स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करता है, प्रेगनेंसी के दौरान शिशु और माँ दोनों को निरोगी बनाए रखता है तथा शिशु के शरीर और उसके मस्तिष्क का विकास करने में काफ़ी उपयोगी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आँखों के रेटिना और दूसरी तरह की समस्याओं को भी ये दूर करता है। मनोविकार को दूर करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे माइंड के लिए काफ़ी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। लीवर और अस्थमा जैसे रोगों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जो दोस्त नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।